हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली अर्निंग रिलेटेड वीडियोस ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन से मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज वीडियो में चैनल मोनेटाइज भी हो गया लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रहा, तो वो तो बात की बात है। तो इसलिए वीडियो भी कभी आता है, कभी एक दो दिन के गैप हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सा मैं आज आपको DCA और MS Word से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूं। बिकॉज अगर आप MS Word यूज़ करेंगे तो आपको ये सब चीज़ जो है बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़फुल होगा, बिकॉज MS Word का ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। जैसे देखिए, ये एक पार्ट्स होता है कि हम लोग को बॉर्डर लगाना है, पेज कलर चूज़ करना है। तो देखिए, डिज़ाइन में जाएंगे तो आप पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पेज कलर आपको दिखेगा, तो जो भी कलर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। पेज बॉर्डर आ जाता है। ये सब जो चीज़ होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है। मतलब कि इससे आपका जो MS Word का वर्क है वो बहुत एक है RAND, और यहाँ पे आपको कितना 10 और 10 करके ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद देखिए, मतलब कि बिना कुछ लिखे हमको 10-10 पैराग्राफ 10-10 लाइन मिल गया है। यहाँ पे एक कमांड था RAND=RAND10, 10 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये सब जो है MS Word का बहुत ही, तो इसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। RAND रैंड लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर 10 लिखना है। 10 आपको जितना भी चाहिए उतने ही लिखे। आप 12 चाहते हैं 12 पैराग्राफ आ जाएगा। ये आपका मतलब कि ये है, तो बिना कुछ लिखे। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स कोई बोलेगा कि तुरंत मुझे लिख के कुछ दीजिए, तो ये कमांड जो है यूज़फुल होता है। रैंड का कमांड जो है हमारा MS Excel में भी यूज़ होता है, लेकिन सभी जगह अलग अलग तरीक़ा से यूज़ होता है। तो ये था एक कमांड जो हम लोग यूज़ करते हैं। और इसी तरह से आप लेआउट में जाके लेआउट चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके बहुत सारा चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, सेव इंसर्ट कर सकते हैं, एक बाकायदा बहुत अच्छा चार्ट बना सकते हैं। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट भी बना सकते हैं। तो सारा का सारा चीज़ जो है ये यहाँ पे आपको MS Word में अवेलेबल है। तो देखिए, अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ और ओके करता हूँ, तो किसी भी इसका इजीली चार्ट अभी चार्ट प्रिपेयर हो रहा है। देखिए, चार्ट प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे लिंक के आ गया सीरीज 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से चार्ट भी हम लोग बना सकते हैं। तो मैं आज आपको MS Word में यही सब चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होता है, एक हो गया आपको बॉर्डर देने मैंने सिखा दिया, एक है पेज का कलर चेंज करना मैंने सिखा दिया आपको, और जो है ये सारा का सारा चीज़ होगा डिज़ाइन में जाके। अगर आप विंडोज़ 10 और लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पेज कलर, पेज बॉर्डर जो है वो डिज़ाइन में आपको शो करेगा। पेज बॉर्डर, पेज कलर यहाँ है, और अफेक्ट्स सब यहाँ है। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैक्रोस का अलग फंक्शन होता है फ्रेंड्स, विजुअल बेसिक जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका अलग फंक्शन होता है। इसमें कमांड देना पड़ता है हम लोग को, तो ये एक अलग फंक्शन है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए, मैंने जो आपको बताया ये सारा का सारा चीज़ करके आप बहुत सारा इजी वे में काम कर सकते हैं, और एक अच्छा बायोडाटा और डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहे थे MS Office से रिलेटेड। आप अगर आप और कोई वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके विषय में भी आपको बता दूँ। तो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।